हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू जेजेसी म्यूजिकल नाइट। एंड टुडे वी हैव ब्रॉट एन अमेजिंग एंड एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। नाम तो छे कल होना हो, पण आजे कोरोना नी दुनिया मा एज लागे छे के कल होना हो। पण मित्रों, हूँ एक बात जरूर थी आपनी साथे शेयर करीश। हूँ छेला 25 वर्ष थी संगीत नी साथे संकळायेली छूं અને એક વાત બખૂબી સમજું છું, જાણું છું અને મારો અનુભવ કહે છે, સુખ હોય કે દુઃખ હોય, ખુશી હોય કે તકલીફ હોય, પણ સંગીત છે ને એ આપણને હળવું બનાવે છે, સમભાવની સાથે જીવન જીવવાની તાકાત આપે છે। અને માટે જ જેજેસી આપની માટે વારંવાર સંગીતના નિત નવા જોરદાર કાર્યક્રમો લાવી રહ્યું છે। એની માટે આપે યાદ રાખવાનું છે કે જેજેસી જુહુ બીચની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જો આપ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો તો આપને ઓટોમેટિકલી નોટિફિકેશન્સ મળતા રહેશે, એટલે યુ ડોન્ટ મિસ અ સિંગલ પ્રોગ્રામ। અને બીજી સૌથી વધારે મહત્વની વાત, તૈયાર રહેજો, ફરી એકવાર બુધવાર અને ગુરુવારના રાત્રે 9 વાગે અમે લાવી રહ્યા છીએ આપની માટે જોરદાર કાર્યક્રમો। જેજેસી જુહુ બીચ, કાંદીવલી, બોરીવલી, બીચ સાઈડ, મલાડ, રજવાડી, સાયન, માટુંગા, અમૃતનગર, મુંબઈ, દહીસર, પેડર રોડ, વિલે પાર્લે, લેડીઝ વિંગ, બોરીવલી, મીરા ભાઈંદર, ગોંડલ અને ભારતની અનેકાનેક સંસ્થાઓનું જોડાણ જ્યારે થાય છે, આપનો જબરજસ્ત પ્રતિસાદ અમને સાંપડે છે, એ જ અમને પ્રોત્સાહન આપે છે વારંવાર આપની સમક્ષ નવા નવા કાર્યક્રમોની રજૂઆત કરવાનું। તો હું રીટા હરિયા આજે સ્પાર્કલ એન્ટરટેનમેન્ટને સથવારે, જેજેસીને સથવારે આપની સાથે જોડાઈ રહી છું। અને ફરી એકવાર આપને યાદ કરાવું છું, યુટ્યુબ ચેનલ ઓફ જેજેસી જુહુ બીચ, પ્લીઝ ડુ નોટ ફરગેટ ટુ સબસ્ક્રાઇબ। અને આવો 12 વર્ષથી નાના બાળકોની ટેલેન્ટને આજે એન્જોય કરવાનું છે। જે ગીત સંગીત સાથેનું તેમનું જોડાણ છે તે અનન્ય છે ને અલભ્ય છે। આવા અલભ્ય કલાકારોને જેજેસી આપની સમક્ષ લાવી રહ્યું છે, તો આ બાળકોને બિરદાવજો, એમની કલાને બિરદાવજો। એન્ડ ઓફકોર્સ રિમેમ્બર, લોકડાઉન છે પણ આપણું મન તો ખુલ્લું જ છે। તો રજૂ કરીએ છીએ કલ હો ના હો। જેજેસી જુહુ બીચ કે તમામ બહેન ભાઈઓ કો જય જિનેન્દ્ર। हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाइयां। दोस्तों, आज कल हो न हो कार्यक्रम के द्वारा आपके एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए रंगत प्रोडक्शन के साथ ये तमाम धुरंधर कलाकार आपके दिलों को जीतने के लिए आए हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन नन्हे मगर बहुत ही टैलेंटेड कलाकारों के साथ मंच शेयर करने का मुझे मौका मिला है। आप देख रहे हैं मेरी बाइयों और ये जो बैठे हुए हैं बच्चे, इनमें इनकी उम्र 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। सिर्फ इसमें एक लड़का जो बिल्कुल बाईं ओर तक बैठा हुआ है, इस लड़के की उम्र 14 साल है। इसकी कद काठी पर मत जाइएगा, इसकी खुराक बड़ी मजबूत है। दोस्तों, आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं हम। जिंदगी भाग रही है, दौड़ रही है, बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए इंसान दौड़ रहा है। और समय दर समय सोच बदली है, विचार बदले हैं, उन्नति और प्रगति के रास्ते बदले हैं, लेकिन कई बार मानव के अलग अलग अंदाज, अलग अलग सोच दिखलाई पड़ती है। समंदर के किनारे एक इंसान बैठा हुआ था, अचानक एक कोयल कूकती हुई उसके करीब से गुजर गई। उसने कोयल को देखा और कहा कि कोयल, तुम्हारी आवाज तो बड़ी खूबसूरत है यार, लेकिन काश ये तुम्हारा रंग काला न होता तो कितना अच्छा होता। बागीचे में बैठा हुआ था, अचानक उसकी नजर गुलाब की डालियों पर पड़ी और कहने लगा कि हाँ गुलाब, तुम बड़े खूबसूरत फूल हो, मगर क्या करें, तुम्हारी टहनी में कांटे हैं यार, ये कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। समंदर का किनारा
लहराती हुई ठंडी हवा के साथ समंदर की लहरें उछलने लगी तो समंदर की तरफ देखकर उस इंसान ने कहा कि समंदर, भाई माना कि तुम यार बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारा पानी तो खारा है। काश अगर तुम्हारा पानी खारा न होता ना तो अच्छा होता। लेकिन अचानक प्रकृति की तीनों कृतियों ने, कोयल ने, गुलाब ने और समंदर ने एक साथ कहा कि हे मनुष्य, तुझे ईश्वर ने बनाया तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा बुद्धिशाली है, लेकिन काश तुझ में ये दूसरों की बुराई निकालने की कमी न होती तो कितना अच्छा होता। बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। भगवान ने, ईश्वर ने इंसान को बड़ी खूबसूरत जिंदगी दी है, मगर सांसें गिन कर दी है, जिंदगी सबको सीमित दी है। तो क्यों ना हम आज को दिए, आज को जीते हुए कल क्या होने वाला है और कल क्या करना है, या कल क्या बीत गया, या यूं कहिए कि जितना जीवन हम जीते हैं क्यों ना ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयां और खुशियां बांटें और अपने आप में अर्जित भी करें। क्योंकि जीवन को आज की बात मंजूर है, कल का इंतजार भाता नहीं। जीवन को आज की बात मंजूर है, कल का इंतजार भाता नहीं। जिसमें सभी मुहूर्त अच्छे हों वो कल कभी आता नहीं। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कही है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, छू है समा कल हो न हो। मैं चाहता हूं सब लोग मेरे साथ ताली बजाइए। जो
समा कल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की प्यार भरी जोरदार तालियों का। लेकिन एक बात मैं अपने दिल की गहराइयों से कहना चाहूँगा कि जब ये बाल कलाकार गाने की शुरुआत करते हैं तब आपकी तालियां बजी, इस बच्चे ने जब गाना समाप्त किया तो इसका हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों की तालियां बजी। लगातार 3 महीनों की मेहनत की है इन तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस कंसेप्ट को तैयार करने के लिए, इन गानों को सेट करने के लिए। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि सिर्फ शुरुआत या अंत में नहीं बल्कि गाने के साथ भी आप लोगों को इन बच्चों की गायकी अच्छे लगे, उन गानों की वर्डिंग अच्छी लगी, रिदम अच्छे लगे, तो अपनी ज़ोरदार तालियां या रिदम के साथ या टाइमिंग के साथ इन बच्चों के गानों में बजाइए। देखिए आप लोगों का प्यार इनके अंदर कई गुना ज़्यादा उत्साह, कॉन्फिडेंस और प्यार भर देगा। ये रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से बिल्कुल दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं बच्चों की वजह से, इनकी आवाज़ों की वजह से आज हम आपसे जुड़े, आपसे एसोसिएट हुए। एसोसिएट से मुझे याद आया कि एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि स्वामी जी ये बताइए कि हमारे जीवन में एसोसिएशन का महत्व क्या है। स्वामी जी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि मित्र ऐसा है कि हमारे जीवन में एसोसिएशन से ज़्यादा महत्व ये रखता है कि एसोसिएट किस से होते हैं। लेकिन जब एक ही चीज मेरे जहन में आती है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई कठिनाइयों से, कई हालात से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी जो चीज है हमारे चेहरों की मुस्कान है। अब देखिए ना, ईश्वर ने भगवान को धरती पर भेजा, भगवान के बाद इस सृष्टि को इंसान ने संभाला, भगवान ने सारा कुछ बनाया, फिर मानव को भेजा, मानव से कहा कि बच्चों इस दुनिया को संवारो, इस दुनिया की उन्नति और प्रगति करो, उसके आंखों में सपने दिए और दिल में बहुत सारी उम्मीदें दी। जब इंसान को आंखों में सपने मिले, दिल में उम्मीदें मिले, तो साथ में ईश्वर की ओर से चेहरे पर एक मुस्कान मिली उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन उसकी बनाई हुई दुनिया को बदलने के चक्कर में इंसान थक गया, और इतना थक गया कि उसकी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी अलग हो गई। बचपन कहता है आसमान मेरी उठी में है, बचपन कहता है आसमान मेरी मुट्ठी में है, तकदीर भी बिल्कुल हर पल अपना है, बुढ़ापा कहता है हाथ मेरे खाली हैं, मॉर्निंग वॉक भी एक सपना है। लेकिन साहब हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर सपने को पूरा करो चेहरे पर मुस्कान लाकर, क्योंकि हम किसी के सामने मुस्कुराते हैं ना तो तुरंत हमें भी मुस्कान मिलती है। हर सपने को पूरा करो चेहरे पे मुस्कान लाकर, हर चेहरा मुस्कुराएगा आपकी मुस्कान पाकर, यही है जीवन की परिभाषा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। छोटा सा छोटी सी आशा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। या मुलीचं नाव मिथिला माली, ही डायरेक्ट पनवेल वरन आली, बजावर ताली। दोस्तों, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जब भी मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है वो और ये बालक भगवान की तरफ से हमारे लिए उपहार है। लेकिन बहुत जरूरी ये होता है कि इनके रूप को बदलने वाले, इनकी केयर करने वाले कौन हैं? अब देखिए ना, बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं। अगर आंगन में खड़े हैं और वो बूंदें हथेली पर पड़ती हैं, हम उसे आंखों से लगाते हैं तो एक अद्भुत ठंडक का एहसास होता है। वही बारिश की बूंद अगर कमल के पत्तों पर पड़े और सूरज की किरण उस पर आ जाए तो प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर चित्र वहां निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर वही बारिश की बूंद किसी गंदे नाले में मिल जाए तो उस बूंद के करीब भी जाना हम पसंद नहीं करते। लेकिन वही बारिश की बूंद समंदर के गर्भ में जाकर सीप में बैठ जाती है तो दुनिया के अनगिनत नगीनों में मोती बनकर अपना कीमत बहुत ज्यादा कर लेती है। लेकिन वही बारिश की बूंद अगर रेगिस्तान के रेत पर पड़ती है तो उस बूंद का वजूद ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आज हमें गर्व है कि जेजेसी के आंगन में आने वाले अनमोल रत्न, अनमोल बालक, अनमोल विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका और उनकी जीवन का ख्याल रखने के लिए, चिंता करने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हैं घर घर कि कहीं खो न जाएं ये तारे जमीन पर। देखो इन्हें, ये है ओस के बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले करवट बदल कर नाजुक से मोती है, हंस दे फिसल कर खो न जाएंगे। तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे तो आंगन को सुनहरा सकने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे। तारे जमीन पर जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की प्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर
ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाएंगे। तारे जमीन मोहल्ले की रौनक गलियां है, जैसे खिलने की जिद पर कलियां है, जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों की दिल की दुआएं, हो न जाएंगे तारे जमीन पर। जैसे आँखों की बीबियाँ में बीबियाँ और बीबियों में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे हो न जाए, जैसे हो न जाए रतन टाटा जी ने अपने एक स्पीच में कहा कि इंसान को भोजन ऐसे करना चाहिए जैसे दवाई खा रहा हो, वरना एक दिन ऐसा आता है कि दवाइयां ऐसे खाने पड़ती है जैसे भोजन खा रहा हो। बिल्कुल यही कायदा बच्चों के पालन पोषण के लिए भी लागू होता है। आप जैसे किसी समझदार इंसान ने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि एक रिटायर्ड दादाजी ने अपने आंगन में छोटा सा पौधा लगाया। उनकी देखा देखी में उनके बगल में एक बिजनेसमैन रहते थे, उन्होंने भी अपने आंगन में एक पौधा लगाया। दोनों ही लोग सुबह सुबह आते, अपने अपने पौधे को पानी देते। बिजनेसमैन ने सोचा, यार मेरे पास तो पैसा है, मैं बहुत सारा खाद मंगवाता हूँ, अपने नौकरों को बोलता हूँ कि मेरे ऑफिस जाने के बाद में भी तीन तीन बार इस पौधे को पानी दिया करो, मेरा पौधा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और उन्होंने किया भी, मार्केट से खाद मंगवाए, नौकरों को कहा कि तीन तीन वक्त पानी दिया करो, नौकर आकर पानी डालने लगे और कुछ ही दिनों में उस व्यापारी का पौधा बड़ा भी और मजबूत भी हुआ। लेकिन एक दिन बारिश हुई, रात में छोटी सी आंधी आई। जब ये दोनों अपने अपने पौधे को पानी देने के लिए सुबह में उठे देखने के लिए, तो देखा कि बिजनेसमैन ने देखा उनका पौधा टूटकर गिरा हुआ था। उसका डाउट हुआ कि कहीं ये दादाजी की करतूत बगल हल है। वो सीधे गए और कहा, अंकल जी आपका पौधा तो ऐसे का ऐसे ही है, मेरा पौधा टूट के गिर गया जबकि ये बड़ा भी हो गया था और मजबूत भी हो गया था। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ आपकी बात सही है, आपने बहुत खाद दिया, बहुत पानी दिया, बड़ा दिख भी रहा था आपका पौधा, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती की भाई कि उस पौधे को जितना पानी और जितना खाद चाहिए था उसकी आवश्यकता से आपने ज्यादा दे दिया है, इसलिए वो ऊपर तो बढ़ गया
मगर अपनी जड़ों को जमीन में मजबूती से पकड़ बनाने में नाकामयाब रहा, इसलिए छोटी सी आंधी में भी टूट गया, बिखर गया। बच्चों की सारी डिमांड पूरी करनी चाहिए जो उनकी जरूरत है, लेकिन वो नहीं जो उनकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पर बैठे हैं यंगस्टर, तो सोच रहे होंगे कि ये अंकल हमारे मम्मी पापा को भड़का रहे हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी दो बालक हैं। उनके पहले नाम बताकर परिचय दे दूं। ये मेरी भाई और है अमोल। अमोल जी आगे आइए। उनके बगल में एक मासूम सा बालक बैठा हुआ है, अरहान। अरहान आगे आओ। आपको बताओ कि इनकी बहुत सारी डिमांड्स होती, हमको ये गेम चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, इसको तो iPhone 6 चाहिए। लेकिन इनकी जितनी भी डिमांड्स होती है उनमें से 90% डिमांड पूरी नहीं की जाती है। सिर्फ 8-10% डिमांडों की जो अगर जरूरत है, तो उसके बाद भी ये दोनों लड़के कभी भी नाराज नहीं होते, ना अपने मम्मी से ना अपने बापू से। यहाँ तक कि अगर बापू नाराज होकर इनकी कुछ मांग को ना बोल देते हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, तो उनकी स्तुति करते हैं, ये गाना गाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। आइए सुनते हैं ये अपने अपने बापू की तारीफ कैसे करते हैं। Don't touch it!
ये अरहान है, इनकी उम्र 7 साल है। ये अमोल है, इनकी उम्र 8 साल 4 दिन, 4 दिन हुआ ना बर्थडे को तेरे। तो ये दोनों ही कुंवारे हैं और बहुत भोले हैं। ये ज्यादा भोला है क्योंकि इसकी सिर्फ 5 गर्लफ्रेंड हैं और इसकी 3 हैं। और ये देखा, एक जगह टिक नहीं सकते, सारी दुनिया घूमते रहते हैं, मोदी साहब से इंस्पायर है। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए आप लोगों की, बेटा बैठ जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बच्चे जब ऑडियंस में गए, आप लोग के करीब गए, आप लोगों के चेहरों की मुस्कान की लकीर बढ़ गई। हमें भी बहुत खुशी हुई कि इन बच्चों को आपका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि आपसे और हमसे ज्यादा खुशी इस ऑडियंस में बैठे हुए इनके माता पिता को हो रही थी जो बैठे हुए हैं। और यकीन मानिए, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने देखा है कि किसी के बालक को अपनी गोद में लेकर देखिए, उस बालक के माता पिता के चेहरे पर एक अलग रौनक और चमक आ जाती है कि मेरे बच्चे को इन्होंने प्यार दिया। ऐसे सोचने वाले, ऐसी भावना रखने वाले कौन कौन है हमारे देश में? जब इस प्रोजेक्ट के द्वारा रिसर्च किया गया तो पता चला कि हमारे भारत वर्ष में बहुत लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तमिलनाडु में एक इंसान है जिनका नाम है श्री कल्याण सुंदरम। श्री कल्याण सुंदरम ने एज ए लाइब्रेरियन 30 वर्षों तक नौकरी की और 30 वर्षों की नौकरी में लाइब्रेरी से छूटने के बाद शाम को मैं एवरीडे 2-2 घंटे रेस्टोरेंट और लॉन्ड्री में नौकरी करता था और वहां से जो पैसे आते थे उससे अपना जीवन चलाता था। हिंदुस्तान में थोड़ी सी चर्चा हुई उनके, इंटरनेट पर उनका नाम आया, लोगों ने तारीफें की, लेकिन हिंदुस्तान से भी ज्यादा चर्चा इस इंसान की हुई अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने श्री कल्याण सुंदरम को द मैन ऑफ द मिलेनियम का पुरस्कार दिया। उस पुरस्कार में अमेरिकन गवर्नमेंट ने श्री कल्याण सुंदरम को इंडियन 30 करोड़ रुपए की राशि दी और श्री कल्याण सुंदरम इंडिया 30 करोड़ रुपया लेकर आए और नजरें झुकाकर चुपचाप वो 30 करोड़ रुपए फिर से एक बार अपने समाज को डोनेट कर दिया। उनकी इस कारकिर्दी को देखकर अभिनेता रजनीकांत साहब ने उन्हें गोद लिया बतौर पिता बनाकर, बतौर बाप बनाकर। वरना साहब, आज के युग में किसके पास है ऐसा समय, किसके पास है ऐसी फुर्सत? पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने, अब दूसरों की दीवारों पर कान कौन रखता है? हर चीज मिलती है इस शहर में किश्तों में, अपने अरमानों पर लगाम कौन रखता है? बहला फुसला कर ले जाते हैं माँ बाप को वृद्ध आश्रम में, घर में पुराना सामान कौन रखता है? ओ ग मसीहा, ओ ग मसीहा, सामने तेरे फिर भी ना तू बच पाएगा। न
नाते हैं नातों का क्या कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली आवाज में गाने वाले लड़के का नाम जोशुआ है। बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही विद्वान बच्चा है। एक बात हमने देखी, सुनी और महसूस की कि समाज में हो या देश में तरक्की के लिए, अच्छाई के लिए कोई परिवर्तन लाना है तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। चाहे समाज के कल्याण की बात हो, चाहे देश के स्वाभिमान की बात, रिस्क उठाए बिना काम नहीं चलता। लेकिन जरूरत उन लोगों की है जो पहले आगे बढ़कर रिस्क उठाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तैयार सब होते हैं, लेकिन जरूरत होती है उनकी जो शुरुआत करे। हमारे 70वें स्वाधीनता दिवस पर एक वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल सच्चा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ दिनों के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने तमाम साथी नेताओं के साथ, कुछ आर्मी मैन जो ब्रिटिश आर्मी में थे, उन लोगों के साथ बैठे हुए थे। बात चल रही थी कि अपने देश के लिए अब मिलिट्री बनानी है, हमारा देश आज़ाद हो गया है, अपनी आर्मी बनानी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र हुआ तो मुझे अभी आदरणीय सोनिया जी की याद आई, क्योंकि नेहरू परिवार ने बहुत सालों तक राज किया हमारे देश पर। लेकिन अभी सोनिया जी बीमार थी, अभी अच्छी हो गई हैं, भगवान करे बहुत सेहतमंद रहे, हेल्दी रहे। पंशु छे छोकराओं नो टेंशन तो है ना, मांदा तो पड़ी जवा है। राहुल बाबा, बाबा बहुत भोले, बहुत मासूम। अभी पिछले जिन दिनों आदरणीय सोनिया जी और राहुल बाबा साथ में किसानों को, जिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको हेल्प करने के लिए गए हुए थे, सोनिया जी ने किसानों के सामने राहुल बाबा से कहा, राहुल आप गाड़ी में जाइए, पैसे लेके आइए। सोनिया जी की हिंदी कमाल की, वो भाषण भी पढ़ के करती है। एक बार तो भाषण पढ़ रही थी, पढ़ पढ़ के बोल रही थी, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा,
हम बाबुल के पेट में नहीं उगते। पब्लिक हैरान हो गई, भाषण लिखने वाला बेहोश हो गया, क्योंकि उसने लिख के दिया था कि आम बबूल के पेड़ पर नहीं उगते। सोनिया जी ने कहा, जाइए राहुल पैसे लेके आई। राहुल बाबा गए पैसे लेके आई। अब सोनिया जी ने किसानों को पैसे दिए, ये लीजिए भाई साहब, ये आपके लिए मदद, आपकी फसल बर्बाद हो गई है, ये आपके लिए मदद, आपकी फसल बर्बाद हो गई है, ये हमारी तरफ से आपको, आपकी फसल बर्बाद हो गई है। सब होने के बाद में किसानों ने 2,000 के बंडल निकाले और सोनिया जी को दिया। सोनिया जी भालिए, ये हम किसानों की तरफ से आपको मदद, क्योंकि आपकी फसल भी तो बर्बाद हो गई है। पाछड़ समझेगी नहीं साहब, ओके तो वांदो नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई हमको आर्मी बनानी है, लेकिन क्या है कि हमारे देश में अभी अभी आजादी मिली है तो किसी को आर्मी चलाने का अनुभव नहीं है, आर्मी का चीफ बनाएंगे किसको। ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी आर्मी ऑफिसर को हायर करते हैं, उसको हमारे देश का आर्मी चीफ बनाएंगे, उसके बाद में अनुभव होने पर अपने सिपाही को रखेंगे। सब लोगों ने हाँ हाँ किया, लेकिन वहां पर आर्मी मैन नाथूराम सिंह राठौड़ बैठे हुए थे। उन्होंने रिस्क उठाया, वो खड़े हुए और कहा कि सर आई हैव ए वन पॉइंट। पंडित जी ने पूछा, बोलिए। बोले सर आपने कहा कि अभी तक हमें आर्मी चलाने का या आर्मी के चीफ बनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे देश में, अभी अभी आजादी हुई है। पंडित जी बोलिए, यस सही बात है। राठौड़ साहब ने कहा, वैसे सर अभी तक हम में से किसी को देश चलाने का भी अनुभव नहीं है। तो क्यों ना प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए किसी ब्रिटिश को बुलाया जाए, जब अनुभव होगा तब हमारा आदमी प्रधानमंत्री के लिए कोई रखेंगे। पंडित जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तो क्या आप बनेंगे आर्मी चीफ। राठौड़ साहब ने एक और रिस्क लिया और कहा कि नो सर, मुझसे भी काबिलियत रखने वाले इस देश में मिस्टर के एम करियप्पा है, जो हमारे आर्मी की बागडोर संभाल सकते हैं। उनकी पहल करने की वजह से, उनके आगे बढ़कर इस बात को रखने की वजह से हमारे देश की पहली आर्मी के चीफ बड़े स्वाभिमान के साथ बने, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ आर्मी मिस्टर के एम करियप्पा। एक ही चीज जहन से निकलती है दोस्तों, कि ताल्लुक मेरा वतन की शान से है, सर झुकता वतन पर अभिमान से है। ताल्लुक मेरा वतन की शान से है, सर झुकता मेरा वतन पर अभिमान से है, मर कर भी दोबारा इसी वतन में मैं पैदा हूं, इतनी मोहब्बत मुझे अपने हिंदुस्तान से है। लुढ़क देखा बारिश देखा, लुढ़क देखा बारिश देखा, और देखा जापान मुगल देखा, जान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। सभी की तालियों के साथ दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। दुल्हन के माथे बिंदिया, ये मेरा
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष मिथिला जोशुआ भीम सिंह। मुझे अपना नाम पहले बड़ा अजीब सा लगता था कि पिताजी ने क्या पुरातन काल से सलाह लेके मेरा नाम रखा होगा, लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी ने भीम एप्लीकेशन लॉन्च किया है तब से मैं अपने नाम पर इतना प्राउड फील करने लगा हूं कि करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है भीम से। लेकिन तू मेरे नाम का क्या कर रहा था भाई, तू जाके क्या क्या गा रहा था बीच में? सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला। नहीं, ये तुम लोगों की मिली भगत है, तुम मिथिला सब। तू बोल रहा था भीम सिंह बोला बोला भीम सिंह बोला। हाँ नहीं नहीं ना, वो बोल रही थी मामा जैसा भीम सिंह बोला बोला ऐसे बोल रहा था ना। नहीं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तूने जो एंड में आखिर में लाइन बोली ना उससे मेरा दिल जीत लिया। वो कैसे बोला था जरा बता तो, वही स्टाइल सेम। ये मेला इंडिया, I love my India। तू गा रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने बॉर्डर पे अपने सैनिकों ने चीनियों को पत्थर मार मार कर खड़ा किया वहां पे और बोला कि सलाम करो और बोलो ये मेला इंडिया, I love my India।
सारे चीनियों से ये मेरा इंडिया आई लव यू इंडिया बुलवा दिया। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए हो जाए और नारा हो जाए भारत माता की। दोस्तों जब मातृभूमि की बात आती है तो एक अजब सा जोश हमारे अंग अंग में पैदा हो जाता है। और क्यों ना हो साहब, जब भी माँ शब्द आता है ना तो सारी सृष्टि सारी कायनात एक शब्द पर आकर टिक जाती है, चाहे मातृभूमि हो या जन्म देने वाली माँ। उससे ज़्यादा दिनों तक दूर रहकर कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला शब्द है माँ। उसके कई उदाहरण है दुनिया में। एक उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही सच्ची घटना के साथ। कई वर्षों पहले एक बच्चा स्कूल से घर आया, उसके हाथ में एक लिफाफा था, उस लिफाफे के अंदर लेटर था। उसने माँ को लेटर दिया और कहा, माँ ये लेटर सर ने दिया है और कहा है कि अपनी मम्मी को देना, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। माँ ने लिफाफा खोला, लेटर देखा और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखों में नमी आई। बच्चे ने पूछा कि मम्मी क्या लिखा है, तो उसने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, इसको तो बहुत बड़े स्कूल में आप एडमिशन दिलाने चाहिए। हमारे छोटे से स्कूल में क्या कर रहा है, ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। एक काम कर बेटा, आज से तो इस स्कूल में नहीं जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी तुझे। और उस माँ ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उस लड़के को घर में ही बैठकर पढ़ाया और इतना अच्छा एजुकेशन दिया कि वो लड़का आगे चलकर दुनिया का महान आविष्कारक थॉमस एडिसन बना। देखते संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों गरीब उजड़ते क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापों के प्राण, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला न बदल रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। मेरे दिमाग में एक बार एक सवाल आया कि लोग कहते हैं कि कलयुग है और दुनिया समाप्त हो जाने वाली है, तो कब समाप्त होगा। तो मुझे किसी ऋषि की कही हुई एक कहानी याद आ गई कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में इतना पाप इतना पुण्य होगा कि उस समय मैं भी अवतार लेकर जन्म नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मानव को इतना परिपक्व बनाया है कि पाप पर पुण्य की जीत बनाकर वही इस संसार को इस सृष्टि को बचाएगा। तो वो उदाहरण आज मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ। लोग कहते हैं कि कलयुग है समाप्त, कब होगा। मैं कहता हूं नहीं होगा, क्योंकि बुरा करने वालों की तादाद है तो उससे कई गुना ज्यादा नेकी करने वालों की और अच्छाई करने वालों की तादाद अभी भी इस दुनिया में है। अभी तक पुण्य का पलड़ा बहुत भारी है और पाप का पलड़ा धीरे धीरे नीचे आएगा, समाप्त होगा, जिसके कई प्रैक्टिकल उदाहरण हमको मिलते हैं। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल बना कर दिया बच्चों की एजुकेशन के लिए। नरोत्तम भाई और लक्ष्मी बहन का मन नहीं भरा तो उन्होंने आखिर में अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों को स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए डोनेट कर दी और उनकी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत है 180 करोड़ रुपया। जब लक्ष्मी बहन से पूछा गया कि बा तुम्हारा मन में केवी रीते आवी गयो कि 180 करोड़ रुपयानी प्रॉपर्टी तमे एजुकेशन माते डोनेट करी ना, कि एनो कारण छू, तो लक्ष्मी बहन ने बहुत भोला और बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि बेटा एवं कि हूँ चार ज धोरण भणेली छू अने मने जीवन में ए अफसोस हतो कि हूँ भणी नहीं सकी। तो एमज ख्याल आयो अमने के अमारा गामना के अमारा देशना अमे ज्यां सुधी पहोंची शकीए त्यां सुधी कोई दीकरा ने कि कोई दीकरी ने आगळ जीवन में ए अफसोस न होय कि हूँ भणी नहीं सक्यो ने हूँ भणी नहीं सकी,
એટલા માટે આ પ્રોપર્ટી બધું એમના માટે અમે લોકો ડોનેટ કરી નાખ્યા. આહા, આંધીઓ સે ન ડરે એસા કલંદર બન જાઉં, તું સવારે તો જમાને કા સિકંદર બન જાઉં. આંધીઓ સે ન ડરે એસા કલંદર બન જાઉં, તું સવારે તો જમાને કા સિકંદર બન જાઉં. મેં તો એક બૂંદ હું મુજે ફિતરત દે મેરે માલિક, કે કોઈ પ્યાસા મિલે તો મેં સમંદર બન જાઉં. એક સચ્ચાઈ યે ભી હૈ કે એક દિન હમ શહેર કો નિકલે દિલ મેં કુછ અરમાન થે, એક તરફ થી ઝોપડિયાં એક તરફ શમશાન થે. એક દિન હમ શહેર કો નિકલે દિલ મેં કુછ અરમાન થે, એક તરફ થી ઝોપડિયાં એક તરફ શમશાન થે. પાંવ તલે એક હડ્ડી ટકરાઈ ઉસકે ભી યહી બયાન થે, કે ચલને વાલે સંભલ કે ચલ હમ ભી કભી ઇન્સાન થે. Thank you.
अब न वो हलाकू है और न उसके काती है, जंग तो जो पूरत है और न उसके हाथी है। कल जो तन के जलते थे अब निशान शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरवत पर। अब न हो याला सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। આવનારા વીકમાં
બુધવાર અને ગુરુવાર 9 વાગ્યાનો સમય ફરી એકવાર બ્લોક કરી લેજો, કારણ કે જેજેસી આવા જ ધમાકેદાર જોરદાર કાર્યક્રમો આપની સમક્ષ રજૂ કરશે અને જેની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. એનો પહેલો પડાવ જેટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતો, રિમેમ્બર માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ધ સેકન્ડ હાફ ઇઝ મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ, મોર બ્યુટિફુલ, મોર કલરફુલ એન્ડ મોર મ્યુઝિકલ. સો આઈ એમ શ્યોર જેજેસી, જુહુ બીચ, કાંદીવલી, બોરીવલી, બીચ સાઇડ, મલાડ, રજવાડી, સાયન, માટુંગા, અમૃતનગર, મુંબઈ, દહીસર, પેડર રોડ, વિલે પાર્લે, લેડીઝ વિંગ, બોરીવલી, મીરા ભાઈંદર, ગોંડલ અને ભારતભરની સમસ્ત સંસ્થાઓ જ્યારે આપણી સાથે જોડાય છે, આ કાર્યક્રમને માણી રહી છે, તો આપ સૌનો ફરી ફરીને આભાર માનીએ અને બસ આવો જ આનંદ કરતા રહીએ. ફરી એકવાર આપની સાથે જોડાઈ રહ્યું છે दोस्तों. 15 अगस्त को हमने अपनी आज़ादी की जश्न मनाई, उस दिवस को मनाया, लेकिन हम नहीं भूल सकते बॉर्डर पर, सरहद पर वो तमाम हमारे बेटे, वो तमाम हमारे जवान जो दुश्मनों की गोलियों का डटकर मुकाबला करते हैं, अपने देश की आज़ादी, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जानें तक गंवा देते हैं. उनको सैल्यूट करते हुए, उनको सलाम करते हुए हम सब की ओर से एक गीत मिथिला यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हैं. आइए सुनते हैं.
तुझे याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए, ए मेरे वतन के लोगो जरा भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो भारत माता की जय। अगर आ आ अंदर आवी ने आ आने जे देशभक्ति के ध्यान तो कि मेरे को भी एक गाना है आने गावा देसु
की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जय जी के तमाम पदाधिकारियों का, आप सभी बहन भाइयों का। आगे बढ़ते हैं, कल हो ना हो एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट जेजीसी सेंट्रल बोर्ड के सौजन्य से जब रंगत प्रोडक्शन ने तैयार किया, तो जीवन के कई पहलुओं पर हमारे एजुकेशन के द्वारा आज के हमारे बच्चों के स्वभाव, उनके सोचने का ढंग, आज 21st सेंचुरी में किस तरह की सोच, आज के एजुकेशन पाने वाले और विदेशों में हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे बच्चे कुछ कभी कभी सोच बदल जाती है। एक लड़का लंदन में पढ़ाई की डिग्री मिली, इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी से उसे बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब की ऑफर मिली। वो लड़का इंडिया आया एकदम और बोला, यार मुझे ऐसी ऐसी जॉब मिली। इंटरव्यू देने के लिए गया, उस कंपनी के ऑनर खुद बैठे हुए थे उस लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे ही उस ऑफिस में वो एंटर हुआ, उन्होंने पूछा कि यस बेटा बताइए क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। बोले, सर एक्सपेक्टेशन तो मैं बहुत बताऊंगा, लेकिन पहले ये मेरी डिग्रियां हैं, देख लीजिए, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत एफर्ट डाला है। वो ऑनर धीरे से मुस्कुराया, उन्होंने कहा, अच्छा वेरी गुड बेटा, बेटा एक काम करो, आपकी ये सारी डिग्री सर्टिफिकेट मैं देखूंगा, उससे पहले ही बताओ कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। वो लड़का चुप हो गया कुछ सेकंड के लिए, फिर धीरे से बोला, एक्चुअली सर मेरे पिताजी हमारे गांव में कपड़े धोने का काम करते हैं। बोले, ओ ओके, आप बेटा एक काम करो, अपने गांव जाओ, अपने पिता के साथ भोजन करने के लिए बैठो, भोजन के बाद अपने हाथों से अपने पिता के हाथों को धोना, उस एक्सपीरियंस को मुझसे आके शेयर करना, उसके बाद आपके जॉब की बात करेंगे। लड़के ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम। वो गया गांव में, अपने पिता अपने माता के साथ भोजन करने के लिए बैठा। भोजन के बाद में जब अपने पिता के हाथों को धोने लगा, तो उसने देखा कि उसके पिता के हाथों में छाले पड़े हुए थे, हाथ की चमड़ी सख्त हो गई थी, दरारे पड़े हुए थे। लड़का हक्का बक्का रह गया, उसकी बोलती बंद हो गई, सर झुक गया, आंखों से आंसू आने को तैयार थे, वहां कुछ नहीं बोला, चुपचाप वापस आया और उस कंपनी के ऑनर के पास जब सामने खड़ा हुआ तो उसका सर झुका हुआ था। उन्होंने पूछा, बेटा क्या अनुभव रहा आपका अपने पिता के हाथों को धोते हुए? उसने कहा, सर आई एम सो सॉरी, मैंने अपने पिता के हाथों को धोया तो मेरे दिमाग में जो गुरूर था वो भी धुल गया है, मुझे पता चल गया कि मेरी डिग्री मेरी सर्टिफिकेट के पीछे मेरी मेहनत से पहले मेरे पिता की मेहनत है, उनकी मेहनत की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। खाली जेब भी मेरी मांगों से परेशान नहीं देखा, खाली जेब भी मेरी मांगों से परेशान नहीं देखा, मैंने इस दुनिया में मां बाप से बड़ा धनवान नहीं देखा। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। दर्द बेरूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, 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 कांधे पर बैठ के जिनके देखा जाहा, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या ये बताना ना आसान है। दर्द बेरूप माँ बाप का,
विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। आज के हमारे बच्चों में 100 खूबियों के साथ एक खामी है, एक कमजोरी है, वो ये है कि वो जल्दी हताश हो जाते हैं। छोटी से छोटी हार से भी वो मायूस हो जाते हैं। 2017 में 12वीं के रिजल्ट निकलने के बाद में मध्य प्रदेश में फेल होने के कारण 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या हो सकती है? उन्हें कौन समझाए कि बेटा 16-17 साल की उम्र में आप सुसाइड करते हो, अरे आगे बढ़ लेते, उससे टकरा जाते। 5 साल 7 साल स्ट्रगल किया तो भी 40-45-50 साल का जीवन भगवान ने और दिया होगा तुमको, उसको गवा दिया तुमने। उनको यह बताना जरूरी है कि इस दुनिया में छोटे से तो छोटे से बड़े बड़े जगहों पर जाने के बाद में भी लोग टूटे हैं, गिरे हैं, लेकिन गिरकर फिर खड़े हुए हैं। सचिन तेंदुलकर जी को हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। 2007 में सचिन तेंदुलकर अपने ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए थे और ये अनाउंस करने को कहा था कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संन्यास ले रहा है, छोड़ रहा है, क्योंकि उनकी पूरी टीम का परफॉर्मेंस खराब था, उनका परफॉर्मेंस खराब था, वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। तब वहां विवियन रिचर्ड पहुंचे, उन्होंने समझाया कि दोस्त हार ये जिंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इससे मायूस मत हो, आगे बढ़ो। तुम भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम हारे हुए ही रह जाओगे, टूटे हुए ही रह जाओगे। और उसी टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको फिल्म का बताता हूं, हिंदी सिनेमा का। मुन्ना भाई MBBS में एक सीन है, जब सुनील दत्त साहब ट्रेन से उतरते हैं तो एक लड़का उनका पर्स मारता है, लोग उसे पीटते हैं। उस लड़के का छोटा सा सीन था, लेकिन वो लड़का एकेडमी ऑफ एक्टिंग से डिप्लोमा लेकर इंडियन सिनेमा में आया था कि मैं बहुत कुछ बनूंगा, बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन उस सीन के बाद उसको मुंबई इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिला। वो मुंबई में बहुत जगह पे बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, वॉचमैन की नौकरी करता था, लेकिन हारा नहीं, टूटा नहीं, लड़ता रहा। आज वो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहा है। नवाज सिद्दीकी नाम है उस कलाकार का। बैजू बावरा के प्रीमियर पर नौशाद साहब को थिएटर के अंदर आने के लिए लोगों ने इतना घेर लिया चाहने वालों ने कि 20 मिनट लग गए। उनके प्रोड्यूसर ने कहा कि नौशाद साहब आपको 2 मिनट के रास्ते में 20 मिनट लग गए, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। तो नौशाद साहब ने कहा, नहीं हुजूर, 20 मिनट नहीं, मुझे यहां तक आने के लिए 20 साल लग गए हैं, 20 साल। दादर के इसी ब्रॉडवे थिएटर के फुटपाथ पे कितने ही महीनों मैं बिना कुछ खाए, भूखे पेट, सिर्फ
पेपर या अखबार बिछाकर सो जाया करता था। मेरे पास छत नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास खाना नहीं था, लेकिन डटा रहा, लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। और आज दुनिया नौशाद साहब कहती है। इन बच्चों को समझाना जरूरी है कि मायूस बहानों की पनाह लेते हैं, मंजिलों से खुद ही दूरी बना लेते हैं। दुनिया में जिक्र उनका होता है जो तूफान में आशियाने बना लेते हैं। उठ सबके कदम देखो रम पम पम, सबकी तालियां एक साथ गूंजे। उठ सबके कदम देखो रम पम पम, आजे ऐसे गीत गाया करो, कभी खुश कभी गम। रंग नया है, रोप नया है, जीने का तो जाने का ढंग गया है। किसे है फिकर इन्हें क्या पसंद, तारीख है जहां मेरा ज़मान, जब हम तुम बन गए ऐसे बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी दोस्तों, इन बच्चों की गायकी का लोहा तो आप मान चुके हैं, अब फिर से एक बार मानेंगे, क्योंकि उस गाने को ये लोग गा रहे हैं जिस गाने को कई वर्षों से स्टेज पर गायक बने हुए कलाकार भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि गाएं या नहीं। मैं कौन सी फिल्म का है, किसने गाया है, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ इन बच्चों से कहूंगा कि बेटा आओ और शुरू हो जाओ। लागा चुनरी में दाग छुपाओ, कैसे लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाओ, कैसे कर जाओ, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाओ, कैसे लागा चुनरी में दाग। आप सबकी तालियां इस गाने में चार चांद लगा देगी। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया,
कर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मेक इन इंडिया, एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक सज्जन जिनके दो बेटे अमेरिका में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, उन्होंने तीनों बच्चों को फोन किया और कहा कि देखो एक बात तुमको बतानी है। उन्होंने कहा बोलो पापा, मैं तुम्हारी मम्मी को डिवोर्स दे रहा हूं। तीनों उछल पड़े, बोले पापा क्या बात कर रहे हो आप, इस उम्र में
समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हम किस किस को क्या जवाब देंगे। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता, मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूं। वहां से बच्चों ने कहा पापा ऐसा कुछ मत करिए प्लीज, हम लोग वहां आते हैं, जो भी पहली फ्लाइट मिलती है हम लोग वहां पहुंचते हैं, जो भी प्रॉब्लम है बात करके सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई डिसीजन तब तक नहीं लेना जब तक हम लोग नहीं पहुंचते, जितनी जल्दी हो सके हम लोग वहां घर पे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फोन रखा और अपनी वाइफ की तरफ देखा और बोला सुन तैयार हो जा, इस बार की दिवाली हम बच्चों के साथ मनाएंगे। उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नाम पर ही तड़पते हैं दिल। हो रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, जो बचताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, जो बचताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नाम पर भी तड़पते हैं दिल, प्यार के नाम पर भी तड़पते हैं दिल, चांद तारों की तले तारों के तले रात ये गात चले, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता हो
दोस्तों कल हो ना हो कंसेप्ट के डायरेक्टर हमारे चंद्रेश भाई जिनको अभी अभी आपने देखा, वो सारे बच्चों को सब गाने दिए और कैसे इन लोगों ने निभाया आप देख रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन जब हमारा पहला शो था, फर्स्ट शो, उसके 8 दिन पहले एक गाना ऐड हुआ और वो गाना चिंटू भाई ने कहा कि अरहान तू गाएगा, इसने कहा हाँ गाऊंगा, बोले बेटा ये चैलेंज है तेरे लिए, इसने कहा हाँ वांदा नहीं मैं गाऊंगा। अब उस चैलेंज को इसने एक्सेप्ट किया है, उस पर कितना खरा उतरा है ये हम आप पर छोड़ते हैं। अरहान आ जा बेटा। थैंक यू।
कट करे Goodbye. I would like to remind you two things. Number one, you have to subscribe JJC Juhu Beach channel on YouTube without fail. And second thing is, આવનાર બુધવાર અને ગુરુવારના દિવસોમાં આપણે જોરદાર ધમાકેદાર કાર્યક્રમો આપની સમક્ષ રજૂ કરવાના છીએ અને જેની જાહેરાત અને ડિટેલ્સ ટૂંક સમયમાં આપને આપવામાં આવશે. સો હિયર વી ગો, સેઇંગ ગુડ બાય ટુ યુ. And have a good night, good sleep. Have nice, amazing musical dreams with JJC. Bye-bye.